हेलो गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपना क्यूवा एप्लीकेशन के थ्रू अपना कॉन्टेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं और आपका कॉन्टेक्ट है या नहीं है कंपनी के साथ, उस कैसे देख सकते हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगर एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं तो एप्लीकेशन में लॉग इन नहीं होता है तो आपको क्रोम ब्राउजर में जाना होगा। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद वहाँ पर लिखना होगा क्यूवा। क्यूवा लिखने के बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड इसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी कोड दिया जाएगा। ओटीपी कोड डालने के बाद आपको यहाँ से प्रोसेस पूरा आपको मिलेगा। पूरा आप अपना इसमें सिस्टम देख सकते हैं। देखिए अभी ओटीपी आने वाला है। ओटीपी जब आ जाएगा आपको ओटीपी इसमें जस्ट फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। ये ओटीपी आपको इसमें फिलअप करेंगे तभी जाकर आपका पूरा डिटेल यहाँ शो होगा। अदरवाइज अगर ओटीपी नहीं आता है फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और पूरा डिटेल नहीं देख पाएंगे। तो आपको इसी तरह करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ देखना है आपके नाम यहाँ शो हो जाएगा, जो भी आपका नाम होगा। जस्ट जब लॉगिन हो जाएगा तुरंत यहाँ फ्रंट पे आपका देख सकते हैं यहाँ पे नाम शो होगा। नाम के सामने एक एरो बना हुआ है, एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने यहाँ देखें अभी एक ऑप्शन आएगा। इससे पहले बता देता हूँ कि अदरवाइज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपका पूरा यहाँ डिटेल शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना डिटेल देखने के लिए जस्ट इसको स्क्रॉल करना है, ऊपर की तरफ करना है। उसके बाद देखें यहाँ पर एक पट्टी सी दिख रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस वाले पट्टी पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर वापस से आपके एक ओटीपी कोड दिया जाएगा। उस ओटीपी कोड पे आपको फिर ओटीपी कोड डालकर उसमें आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है वो डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। ऐसे आपको अगर आपका कॉन्टेक्ट है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से आपका कॉन्टेक्ट ख़त्म हो गया कंपनी की तरफ से या आपका टर्मिनेट हो गया है तो आप अपना कॉन्टेक्ट आराम से यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पर, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपना कॉन्टेक्ट को लेकर आप किसी का आपका तलब आया हुआ है, ट्रांसफ़र करवाया है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर जाएं, देखें किस तरह तलब को एक्सेप्ट करते हैं, ट्रांसफ़र जो होता है उसमें कैसे अपना कॉन्टेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कॉन्टेक्ट अभी जो है मेरा पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है, क्योंकि मेरा टर्मिनेट यहाँ से हो चुका है, इसीलिए अभी कॉन्टेक्ट पर यहाँ पर पेंडिंग शो कर रहा है। जब भी कॉन्टेक्ट नया कॉन्टेक्ट आएगा तो यहाँ पर डेट शो हो जाएगा, जो डेट आपका जिस डेट से एक्सेप्ट करेंगे वो डेट और जो डेट लास्ट एक्सपायर होने वाला है वो डेट यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मेरा यहाँ पे जो है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, और नीचे कॉन्टेक्ट में भी देख सकते हैं डेट जो है डेट मेरा ख़त्म हो चुका है। इसी तरह आप अपना भी चेक कर सकते हैं। देखें यहाँ पर करंट स्टेटस आप यहाँ पर देखें, मेरा यहाँ पे टर्मिनेट दिखा रहा है और मेरा कॉन्टेक्ट यहाँ पे देखे डेट से डेट एक्सपायर दिखा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कॉन्टेक्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको भी क्यूवा एप्लीकेशन में ओपन नहीं होता है तो आपको जाना होगा क्रोम ब्राउजर में। वहाँ पर जाकर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा, उसके बाद वहाँ से आप अपना डिटेल चेक कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर कोई राय देना चाहते हैं कमेंट में दे दें।